हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रमुख बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि सावन का महीना लग गया है और भगवान शिव की आराधना सभी भक्त करेंगे। तो आप आराधना जैसे करते आए, भगवान शिव की आराधना करें, व्रत करें, उपवास करें, पूजा पाठ करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो 3 ताली ही बजाएं। अब इसके पीछे कारण क्या है? भगवान शिव के मंदिर जाएं, आप 3 ताली बजाएं, इसके पीछे कारण ये है कि पहली ताली जो बजाई जाती है वो बताई जाती है कि हम अपनी उपस्थिति जताने के लिए कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके दरबार में, ये मतलब दर्शाती है एक ताली। दूसरी ताली इसलिए बजाई जाती है कि हम भगवान आपसे मांगे या कुछ भी ना मांगे, आप मेरे घर में, मतलब घर में अन्न धन भंडार भरे रहें, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो आपका भक्त बनकर आया हूँ, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, मुझे जो चाहिए आपको पहले से ही पता है, तो मैं आपसे मांगूँ या ना मांगूँ, आप मेरे पिता हैं, पहले से इस बात को जानते हैं, आप मेरे घर में अन्न धन भंडार भरा रखेंगे और कृपा भी करेंगे, इस बात को दर्शाती है। तीसरी ताली तब बजाई जाती है जब भक्त ये बात कहता है अंदर ही अंदर कि मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, यानी कि तीसरी ताली इस बात का प्रतीक है कि मैं भक्त जो हूँ आपको, आपके दरबार में और आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, यानी कि अब अपना जीवन मैंने आपके हवाले सौंप दिया है, आप अच्छा करें या बुरा करें सब कुछ आपके हवाले है। तो इसलिए 3 ताली भगवान शिव के मंदिर में आप पूजा करने के बाद या पहले जरूर बजाएं। ये तालियां लंकापति रावण ने भी बजाई थी जब भगवान शिव की आराधना करते थे वो, और इसके कारण ही 3 तालियों का इतना प्रभाव हुआ कि लंका का राजपाट भी उसके पास आ गया था, यानी सोने की लंका बन गई थी। और ये ताली भगवान राम ने भी लंका जाने के वक्त जब समुद्र पर सेतु बंद कर रहे थे तो भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरा सेतु बंद सही तरीके से बंद जाए और मैं लंका पर चढ़ाई कर दूँ। तो भगवान का काम सफल हुआ, भगवान जीते भी, लंका पर जीत भी हासिल करी, और हासिल करने के बाद वो अयोध्या में उनका राजतिलक भी हुआ, यानी 3 ताली का इतना प्रभाव है। और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि इस ताली से जो 3 ताली बजाई जाती है इसको भगवान श्री कृष्ण ने भी बजाई थी, क्योंकि उनके कभी बहुत सारी पटरानियाँ होने के बाद भी उनके संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने संतान की कामना के लिए भी 3 तालियाँ बजाई थी, जिसकी वजह से उनकी कितनी संतान हुई थी। और एक विधान ये भी है कि हर समय ताली भगवान शिव के मंदिर में ना बजाएं, इसका भी एक टाइम होता है, क्योंकि भगवान विश्राम करते हैं, जैसे हम लोग सोते हैं ऐसे भगवान भी विश्राम करते हैं, इसलिए ताली का विधान है। एक तो आप सुबह बजा सकते हैं जब भी मंदिर जाएं, या फिर सायंकालीन, यानी सुबह शाम ताली बजाएं। इसके पीछे मतलब ये कहा जाता है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाने पर आपको हर समय ताली नहीं बजानी, बजानी 3 ही है, लेकिन सुबह और शाम, दोपहर में ना बजाएं, क्योंकि भगवान विश्राम करते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊंगी, आपको पता सभी को ही है कि भगवान शिव जो हैं अपने गले में आभूषण के रूप में भगवान जो धारण करते हैं वो क्या धारण करते हैं, उनके गले में क्या रहता है? सर्प हार। तो ये सर्प जो नाग है इसको क्यों धारण किया है? इसका नाम है वासुकी। ये भगवान शिव का अनंत भक्त था और भगवान शिव के बगैर ये रह नहीं सकते थे, तो भगवान शिव ने इनको वरदान दिया था कि मैं तुमको अपने गले में धारण कर लेता हूँ। एक काले नाग के रूप में इनका नाम वासुकी है। भगवान शिव ने वासुकी की अनंत भक्ति देखकर और प्रेम देखकर इन्होंने सदैव के लिए अपने गले में इसको धारण कर लिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।